हेलो दोस्तों, बाइक मैकेनिक राइडर चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का विषय बारिश का मौसम चालू है और बारिश में बाइक स्टार्ट नहीं होती, ये विषय है। बारिश में बाइक स्टार्ट नहीं होती तो इसका कारण क्या हो सकता है, तो आज हम बात करते हैं। बारिश चालू है, बारिश का मौसम चालू है, तो बारिश चालू है या बारिश होके गई है लेकिन बारिश के मौसम में बाइक स्टार्ट नहीं होती, तो इसका अलग अलग कारण हो सकता है। तो दोस्तों, आप लोगों को बताने के लिए मुझे खुशी हो रही है कि बारिश में बाइक स्टार्ट नहीं होती लेकिन उससे स्टार्ट करने के लिए अलग प्रकार का ट्रिक इस्तेमाल करना पड़ता है ना, ये भी हम लोग बात करते हैं। तो दोस्तों, जब बारिश हो जाती है तो बारिश में बाइक भीग जाती है, तो एक्चुअली उसमें क्या होता है, पानी चला जाता है, पानी की वजह से बाइक स्टार्ट नहीं होती। अलग अलग कारण है। बारिश में जैसे ठंडापन भी होता है, ठंडापन होने की वजह से भी इंजन कूल होता है तो स्पार्किंग नहीं होती है ठीक से, जितना चाहिए स्पार्किंग ज्यादा उतनी नहीं होती, होगी तो थोड़ी होगी, या पानी स्पार्क प्लग के बाजू में अगर पानी भी अगर ज्यादा जमा होगा तो उस समय भी बाइक का स्पार्किंग काम नहीं करेगा। ये भी कारण है कि बारिश के मौसम में बाइक स्टार्ट नहीं होती शुरुआती तौर पर। और कभी कभी क्या होता है, जो पेट्रोल टैंक होता है उसका अगर जो ढक्कन है वो भी अगर ठीक तरीके से नहीं होगा तो उसके अंदर से भी पानी जाकर पेट्रोल में मिश्रित हो जाता है पानी, यानी पानी पेट्रोल में मिक्सिंग होने की वजह से भी झटका शुरुआत में लगी और बाद में बाइक बंद हो सकते हैं, या स्टार्टिंग में हम लोग कोशिश करते तो बाइक स्टार्ट नहीं होती। क्यों? क्योंकि पेट्रोल में पानी चला गया है ना, ये हिसाब से। दोस्तों, और अलग अलग कारण होता है, जैसे कि इग्निशन की होता है, इग्निशन की में भी अगर चाबी अगर अंदर होगी तो पानी चला जाएगा है ना, ये हिसाब से। अगर कहीं पे भी थोड़ा भी चांसेस रहेगा पानी अगर अंदर चला जाता है तो इग्निशन की शॉर्ट हो सकती है, तो शॉर्ट होने की वजह से भी यानी पानी के वजह से शॉर्ट होने की वजह से भी बाइक आपकी स्टार्ट नहीं होगी, ये भी एक कारण है। और कभी कभी ज्यादा करके इस प्रकार का बात हो दिखाई देता है ऑब्जर्वेशन, जैसे मैं बाइक को काम करते करते रहता तो अनुभव के तौर पर मैं आप लोगों को बताऊं, जो भी हमारा जो हैंडल होता है, हैंडल के पास जो भी हमारा जो पासिंग लाइट का सिस्टम है, हेड लाइट का सिस्टम है ना, जैसे जैसे बोलो तो हम लोग स्टार्टिंग का भी होता है, सेल्फ का भी सिस्टम होता है अलग अलग, जैसे ब्रेक का सिस्टम होता है या क्लच का सिस्टम होता है अलग अलग, जो पासिंग का लाइट तो मैंने बता दिया, या ऑन ऑफ करने वाला भी सिस्टम होता है ना, यानी अप डाउन लाइट करने का सिस्टम होता है, हॉर्न होता है, यानी यहाँ पे वायरिंग ज्यादा होती है, तो यहाँ पर भी अगर पानी चला जाएगा, अगर वायरिंग अगर खुली होगी तो है ना, खुली होगी, उसको ठीक से अगर हम लोग ने बंद नहीं किया, खुली होगी तो पानी जाने की वजह से यहाँ पर भी आपकी बाइक है वो स्टार्ट नहीं होगी, ये भी बात है। जिसे और एक कारण मैंने बताया, समझो आपका टैंक में पानी जाने के बाद वही अगर पेट्रोल अगर कार्बोरेटर में भी आ गया, यानी पानी वाला मिश्रित पेट्रोल कार्बोरेटर में आ गया, और जो बारिश के पानी के साथ साथ जो कचरा धूल मिट्टी वगैरह जो होगी है ना, वो भी पानी के साथ में आके अगर कार्बोरेटर में अगर फंस जाता है, कार्बोरेटर में जो जेट होता है, जो होल होते हैं ना, जेट होता है उसमें अगर फंस जाएगा तो सही मात्रा में पासिंग नहीं होएगा पेट्रोल का, जो भी सफिशियंट पेट्रोल है वो पासिंग नहीं होएगा, तो जिससे भी बारिश के मौसम में हमें बाइक की दिक्कत हो सकती है, बाइक स्टार्ट नहीं होगी। उसके अलावा अलग अलग कारण है, कभी कभी बारिश में पानी जमा हुआ रहता है रोड के ऊपर पानी जमा होता है, तो उस समय भी जो साइलेंसर है अगर पानी में डूबेला होगा तो साइलेंसर से जो एयर बाहर निकलने वाले है, यानी साइलेंसर ब्लॉक हो जाता है, एयर बाहर नहीं आती है ना, जो भी एग्जॉस्ट वाला, तो उस समय भी प्रॉब्लम होता है, आपकी बाइक स्टार्ट नहीं होगी, तो इस समय तो ज्यादा करके आपको इंजिन का ही काम करना पड़ेगा अगर इंजिन में पानी जाए तो है ना। तो मैंने अलग अलग प्रकार से रीजन बता दिया कि बारिश के मौसम में बाइक स्टार्ट नहीं होती, तो इसे हमें सॉल्व करने की कोशिश करनी चाहिए। जैसे कि कैसे करना है उसके बारे में मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा क्योंकि ये वीडियो लंबा हो रहा है, तो दोस्तों यहाँ पर मैं रुक जाता हूँ ज्यादा करके, क्योंकि आपको बताने की कोशिश की कि बाइक को बारिश के मौसम में स्टार्ट नहीं हो रहा है तो क्यों नहीं हो रहा है, इसका मैंने अलग अलग तरीके से कारण दिया। जैसे और अलग अलग कारण है, पानी की बूंद कहीं पे भी अगर जाती है, जो फ्यूल का पासिंग का सिस्टम है वहां पे पानी की बूंद जाएगी तो बाइक स्टार्ट नहीं होगी,
फिर वो टैंक हो, फ्यूल टैंक हो, चाहे तो आपका जो प्लग हो ऑन ऑफ करने का प्लग हो, जो रिजर्व करते ऑन करते है ना उसका प्लग हो, या पासिंग का जो वायरिंग होता है ट्यूब होता है इनमें भी थोड़ा पानी चला जाएगा, या स्पार्क प्लग के अंदर भी थोड़ा आजू बाजू में भी पानी होगा, या जैसे मैंने बताया अपना हैंडल की या पे भी जो भी वायरिंग की सिचुएशन उसमें से अगर पानी चला जाएगा बाई चांस ढीला होगा तो, या इग्निशन के इसमें से भी अगर पानी यानी पानी की बूंद एक दो बूंद भी अगर बाइक के अंदर पासिंग के अंदर या वायरिंग के अंदर अगर जाते हैं तो वायरिंग शॉर्ट हो सकती है, और पासिंग के अंदर फ्यूल के अंदर में भी अगर पानी मिश्रित हो जाता है तो उस समय आपकी बाइक स्टार्ट नहीं होगी। तो यहाँ पर मैं रुक जाता हूँ। अगर आपको मेरा वीडियो अगर अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, साथ में अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया रहेगा तो प्लीज सब्सक्राइब करें। आपने मेरा वीडियो देखा, थैंक यू।